कॉमर्स घुसी पर, और बहुत से दिनों से एक बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्या अभी भी हम पास हो सकते हैं, क्या अभी भी हम कोर्स खत्म कर सकते हैं, क्या अभी भी हम अकाउंट्स पूरी कर सकते हैं, क्या अभी भी इको पूरी कर सकते हैं, बिजनेस पूरी कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल मैंने जो बहुत सारे बच्चों को दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट्स खत्म, इको खत्म और बिजनेस खत्म। वैसे बेसिकली कल से हमारे 9 दुर्गे चालू हैं, 9 दुर्गे आशियों के 9 दुर्गे हैं ये, रोज डे, प्रपोज डे, फलाना डे, ढिंकाना डे, चुपकाना डे और छुपाना डे। तो वैसे बेसिकली यहाँ जो टाइम टेबल चल रहा है 7 का, यहाँ पे आपको रूरल डेवलपमेंट की जगह रोज डे दिख रहा होगा, है ना। तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, 7 तारीख यानी ये टाइम टेबल कल से फॉलो किया जाएगा। 7 तारीख को आपको क्या पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है वो, ऑर्गेनाइजिंग जो आपका बिजनेस का चैप्टर है वो, और गवर्नमेंट बजट जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो। 8 तारीख को आप क्या करोगे, एडमिशन के 4 क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाले, रिटायरमेंट के 4 क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाले, मतलब कैपिटल के एडजस्टमेंट और डिजोल्यूशन के भी 4 क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन से सब मिक्स होता है, रिलाइजेशन भी, बैंक अकाउंट भी, है ना। 9 तारीख को आप डेवलपमेंट का पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव, उसका सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान और बिजनेस का प्लानिंग चैप्टर। 10 तारीख को आप कंपेरेटिव के 4 क्वेश्चन करोगे, कॉमन साइज के 4 क्वेश्चन करोगे, अकाउंटिंग रेशियो के हर मेथड के 2 से 3 क्वेश्चन करोगे। 11 तारीख को आप तीनों सब्जेक्ट के सैंपल पर लाओगे, देखोगे कितना कितना कंप्लीट है। वापस से 12 तारीख बैक टू वर्क, अकाउंटेंसी के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे, उसके 4 क्वेश्चन, पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के 4 क्वेश्चन और शेयर के कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन। 13 तारीख को आप मैनेजमेंट पढ़ोगे, बिजनेस का पहला चैप्टर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 14 तारीख को आप डिबेंचर्स पढ़ोगे, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और कैश फ्लो, क्वेश्चन अपने मनमर्जी अनुसार करने हैं आप जितने कर पाओ। 15 तारीख को मैक्रो का मनी एंड बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज और डेवलपमेंट का पॉवर्टी। 16 तारीख को एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, मैक्रो का इंट्रोडक्शन चैप्टर। 17 तारीख को शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स का और स्टाफिंग बिजनेस का। 18 तारीख को बिजनेस का डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 19 तारीख को डेवलपमेंट का एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर। 20 तारीख को मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब मैंने आपको 21, 22, 23 ये जो दिन दिए इसमें आप फिजिकल पढ़ सकते हैं, चाहो तो आप 16 से भी कर सकते हैं। ये टाइम टेबल उन बच्चों के लिए जो अभी भी चाह रहे हैं कोर्स खत्म करना, लेकिन मैं एक अपनी एडवाइस देना चाहूं, अगर मैं अपनी एडवाइस देना चाहूं, मेरी एडवाइस के अनुसार देखो बेटा, आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख है, चेहरे पर खुशी आ गई सर, कल से वैलेंटाइन वीक स्टार्ट है, बल्ले बल्ले बेटा। वैलेंटाइन वीक के बाद 24 तारीख से पेपर स्टार्ट है ना। अगर आपके पेपर में मार्क्स नहीं आए, मार्क्स हो गए मिस, तो बेटा गर्लफ्रेंड नहीं देगी किस, ध्यान रखना, है ना। तो एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि 10 तारीख तक या 12 तारीख तक अपना जो कोर्स करना है, जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ लो। 13 तारीख से आप फिजिकल पर ध्यान दो 2 से 3 दिन, फिर वापस आप अपने मेन सब्जेक्ट पर जाओ, फिर 20 तारीख से दोबारा आप पहुंच जाओ फिजिकल एजुकेशन के पास, है ना। क्योंकि हाँ, बहुत सारी न्यूज भी देनी है, वो न्यूज मैं दूंगा अपनी अगली वीडियोस में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत